नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में एक बार फिर से कोरोना अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने इस महामारी को ध्यान में रखते हुए एहतियाती तौर पर पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में राज्य में होली पर्व को लेकर आयोजित होने वाले सामूहिक होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सोमवार को बिहार में कोरोना महामारी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में ली गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर सभी जिलाधिकारी और एसपी को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं देंगे। होली प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व है और यही कारण है कि इस पर्व में बिहार से बाहर रहने वाले लोग बड़ी तादाद में प्रदेश आते हैं। होली पर्व में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार कुछ अहम फैसले भी ले सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाए। सभी एयरपोर्ट पर इन तीनों राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। आपको बता दें कि यह व्यवस्था 17 मार्च से लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के इस्तेमाल से जुड़े निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार अब एक बार फिर से स्कूलों को खोलने पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि होली मिलन समारोह पर सरकार की तरफ से पहले ही रोक लगा दिया गया है। ऐसे में 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को भी स्कूल खोल दिया गया है। अब ये जो बच्चों का स्कूल खुला है, इस पे एक बार फिर से बैठक के बाद से ये निर्देश दिया जाएगा कि कोरोना को लेकर अब आगे क्या किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनके रैपिड एंटीजन कोरोना जांच की जाएगी। पॉजिटिव मिलने पर सीधे आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था 17 मार्च से लागू की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायतों में दूसरे राज्यों से आए लोगों को भी कोरोना जांच कराने के लिए कहा गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र ने 31 मार्च तक के लिए 50% क्षमता की पाबंदी लागू कर दी है। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और दफ्तरों की आधी क्षमता से चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही शादी विवाह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की बात कही है। उधर अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के साथ होने वाले 3 मैचों की सीरीज को अब बिना दर्शकों के खेले जाने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने देश के एक हफ्ते में औसतन 11,000 नए केस सामने आए थे, लेकिन अब यह मामला दुगना हो गया है। यानी कि अब ये मामले जो है बढ़कर 22,000 के करीब पहुंच गए हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए बिहार सरकार पहले से सतर्कता बरत रही है और कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दी है। पिछले साल यानी कि वो मार्च का महीना ही था जब देश में कोरोना ने दस्तक दी थी, इसलिए बिहार सरकार द्वारा जारी यह अलर्ट बिहार से बाहर रहने वाले लोग जो बिहार आ रहे हैं उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।